फ्रेंड्स, मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये पूछते हैं चिट्टू और टुआर्ट्स में क्या फर्क है। जैसे कई बार जब हम जाने की बात करते हैं तो हम टू बोलते हैं और कई बार हम टुआर्ट्स बोलते हैं, तो फिर कैसे जाने कि कब टू बोलना है और कब टुआर्ट्स बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। टू के यूज से डेस्टिनेशन का पता चलता है, यानी एक मंजिल की पता चलता है, जबकि टुवर्ड्स के इस्तेमाल से सिर्फ डायरेक्शन का पता चलता है। जैसे ही वेंट टू स्टेशन, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह स्टेशन को गया, यानी उसकी डेस्टिनेशन यानी उसकी मंजिल स्टेशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टू के इस्तेमाल से डेस्टिनेशन का पता चला। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, ही वेंट टुवर्ड्स स्टेशन, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह स्टेशन की तरफ गया, यानी इस सेंटेंस में ये नहीं कहा गया कि वह स्टेशन पर गया या उसका मंजिल, उसका ठिकाना, उसका डेस्टिनेशन स्टेशन था, बल्कि ये कहा गया कि वह स्टेशन की तरफ गया या वह उस ओर गया। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि टू का इस्तेमाल हम मंजिल को बताने के लिए करते हैं, जबकि टुवर्ड्स का इस्तेमाल एक डायरेक्शन दिखाने के लिए करते हैं कि वो इस डायरेक्शन में गया। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल है। शी वेंट टू कॉलेज, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वो कॉलेज गई, यानी उसकी मंजिल कॉलेज है। लेकिन अगर हम कहें शी वेंट टुवर्ड्स कॉलेज, तो इस सेंटेंस का ये मीनिंग नहीं हुआ कि वो कॉलेज गई, बल्कि इस सेंटेंस का ये मीनिंग हुआ कि वो कॉलेज की ओर गई, यानी उसकी तरफ गई। क्या पता वो कॉलेज गई या फिर कहीं और। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि टू का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको किसी डेस्टिनेशन को बताना हो, किसी मंजिल को बताना हो कि वह इस ठिकाने पर गया या उसकी मंजिल ये था। लेकिन जब आपको कहना हो कि कोई आदमी कॉलेज की ओर गया, स्टेशन की तरफ गया या मूवी हॉल की तरफ गया, यानी आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली में वो मूवी हॉल को गया, बट आप ये कहना चाहते हैं कि वो उसकी तरफ गया या उसकी डायरेक्शन में गया, तो आप टू नहीं बल्कि टुवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको टू और टुवर्ड्स में फर्क समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।